हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गुरु। कल हमने चंपा अतर की बात की थी, याद है आपको? मैंने बताया था कि यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं चंपारण में, वहाँ पर चंपा के पेड़ हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, जितने भी पीले रंग के आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे, फूल दिख रहे होंगे, सारे चंपा के फूल हैं। ये पूरा जो ट्रैक है बिखरा हुआ है यहाँ पर चंपा का फूल, और पीछे जो आप बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, ये पूरा चंपा का पेड़ है। जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ इट। तो इस खुशबू से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, और आज आपको एक स्पेशल इंसान से मिलाते हैं। एक हमारे बॉटनिस्ट हैं सर, वो भी यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने, जॉगिंग करने। वो हमें डिटेल्स में इंसाइट देंगे चंपा के फूलों के ऊपर, जिससे कल हमने जो इत्र रिव्यू किया था गाया, वो परफ्यूमरी में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मटेरियल्स है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं चंपा के बारे में। मैं कुंदन कुमार पटेल, और बागवानी और गार्डनिंग से काफ़ी मेरा शौक रहा है, और काफ़ी मैं इसका कलेक्शन भी किया हूँ, और ख़ासतौर पर सुगंधित और इंडियन फ्लावर में मेरा विशेष अनुभव है। और इंडियन फ्लावर का कुछ जो सुगंध है वो वास्तव में बेमिसाल है। जैसे इंडियन फ्लावर में मोगरा है, बेला है, जूही है, चमेली है, रातरानी है, कामनी है जी, है ना। और हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग चंपारण में रहते हैं, इसका नाम चंपारण्य से, मैंने चंपारण में हैं हम लोग, और ये चंपारण चंपा के नाम से ही पड़ा है। और चंपा यहाँ का बहुत ही अच्छी फ्लावरों में जो है, और प्राचीन काल से इसका यहाँ पर काफ़ी होता था खेती जी। और ये औषधि मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, और सुगंध भी इसका काफ़ी बेमिसाल है। और इसमें दो तरह का चंपा होता है, एक होता है कटहरी चंपा जिसको हम लोग वाइट चंपा बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी। और एक सोना चंपा जो गार्डन में मिलता है, वाइट चंपा लोग गार्डन में लगाते हैं, और एक येलो चंपा होता है जी। तो ये सर कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में कुछ? ये काफ़ी सुगंधित होता है जी, और इसमें रोमा और इंसेंट बहुत ही ज़्यादा है जी, काफ़ी सुगंधित होता है जी। और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, और इससे बहुत सा रोगों में भी इसका इलाज भी होता है जी। और जितने भी इंडियन फ्लावर में है, इसका भी अपना अलग पहचान है सुगंध के मामले में। तो सर वो बता रहे थे आपकी नाक पे लगाने पे खून आ जाता है, नाक के बहुत पास से। ये काफ़ी सुगंधित होता है, और अक्सर ये 4 बजे शाम से लेके 4 बजे सुबह तक काफ़ी सुगंध इसमें आता है। और उस पीरियड में अगर कोई इसको नाक से अगर थोड़ा सा स्पर्श करके अगर सूंघ ले, तो हो सकता है ब्लड भी आ, काफ़ी हाईली इसमें परफ्यूम अरोमा होता है। अच्छा अच्छा, चलिए सर थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। और सर चंपा अरण्य के बारे में, आप चंपारण के बारे में कुछ ऐतिहासिक कुछ? हाँ, चंपारण में ये चंपारण नाम जो पड़ा, ये एक्चुअली चंपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था जी, जी। और चंपा के फ्लावर की वजह से इसका नाम चंपारण पड़ा जी। तो यहाँ पे सर आप दिखा सकते हैं कौन से पेड़ से ये चंपा के फूल यहाँ पर बिखरे हुए हैं फूल। ये येलो चंपा है जी, जी, जिसको हम लोग सोना चंपा भी बोलते हैं। सोना चंपा है ना जी, जी, जी। और तो नाग चंपा भी साउथ में इसको ही बोलते हैं क्या, नाग चंपा? हाँ, ये जिससे इंसेंस बनता है, जिससे अगरबत्ती बनती है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसका फ्लावरिंग ड्यूरेशन है जी, आपको फरवरी बिटवीन आपको अगस्त। अच्छा, तो कौन सा पेड़ है सर जहाँ पे जिससे ये गिर रहा है? ये बड़ा पेड़ होता है, बड़े साइज का पेड़ होता है ये जी। अच्छा, ये इतना बड़ा चंपा का पेड़ है जी, जी। अच्छा अच्छा, ये इसका लीफ जो है थोड़ा सा रहता है चिनार की प्लांट जी, 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 जी। अच्छा है ना, और जी, जी। इसमें येलो टाइप का लंबा सा फूल होता है जिसको स्कैन करके काम जी, क्या बोला, धतूरा जी, 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 इसका जी, जी, जी। अच्छा अच्छा, फ्लावर पेटल होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच कुंदन सर, हम सब लोग को एनलाइटन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने चंपा का पेड़ देख लिया, आपने चंपा के फूल देख लिए, कल हमने चंपा का इत्र आपको बताया। अभी मैं आपको चंपा का एसेंशियल ऑयल बताता हूँ, या एब्सोल्यूट रादर बताता हूँ। एसेंशियल ऑयल और एब्सोल्यूट में डिफरेंस होता है। और ये सब मुझे भेजा गया था बहुत पहले, देख सकते हैं काफ़ी पुराना डब्बा है,
अतर मोहम्मद आयूब एंड कंपनी। ये एस मोहम्मद आयूब याकूब नहीं है, ये दूसरी कंपनी है कुलाबा की। इनके भी बड़े अच्छे इत्र होते हैं, पहले भी मैंने बनाया। सो दिस इज़ रूह जैस्मिन। और इसी तरीके से मैं मटीरियल्स को स्टडी करता हूँ, ये अपने शौक से भेज देते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं तो, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। यहाँ पर है रूह बेला, जो कल मैंने बताया, देखिए जैस्मिन अलग है, बेला अलग है, जूही और ये है मोतिया। तो रूह है एंड वेरी पावरफुल, सो दिस इज़ एब्सोल्यूट। और ये हमारा चंपा का एब्सोल्यूट, इसी के बारे में पूरा ये वीडियो है। देखिए कितना थिक है ये, कितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर, इतना गाढ़ा है, इतना स्टिफ हो गया है, विस्कस है ये ऑयल कि नीचे आ भी नहीं रहा है। ऑयल नहीं है ये, एब्सोल्यूट है। तो बहुत कम मात्रा में ये सारे परफ्यूमरी में इस्तेमाल होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ मोर देन जस्ट परफ्यूम रिव्यूज़, दिस इज़ मोर देन जस्ट माय पर्सनल ओपिनियंस, दिस इज़ नॉलेज रिगार्डिंग परफ्यूमरी। एंड मुझे लगता है कि आज के डेट में सबके पास ये होना चाहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।